ये जो तुम्हारे सीने में दिल है ना, उसे चाहे तुम कुछ भी कह दो, कितना भी झूठ क्यों ना कह दो, कितनी भी दूर क्यों नहीं चली जाओ तुम मुझसे, लेकिन ये दिल ये मुझे ही चाहेगा। क्या ना, तुम दुनिया से झूठ कह सकती हो लेकिन अपने दिल से नहीं कह सकती हो झूठ। हम तुमसे प्यार नहीं करते किशन, हम तुमसे प्यार नहीं करते किशन। तुम हमसे प्यार नहीं करती तो फिर किससे प्यार करती हो तुम? उस समीर से? क्या खता हो गई मुझसे, क्या कमी रह गई मेरे प्यार में? नहीं, एक बार बोलो ना, मुझे जानने का पूरा हक है अग्नि, कि मेरे प्यार में क्या? कुछ भी नहीं, तुम्हारे प्यार में कुछ कमी नहीं थी, बहुत प्यार दिया है तुमने हमें, लेकिन ये प्यार एक तरफा था। याद करो तुम जितने भी हमारी लाइफ में इतने ब्यूटीफुल मोमेंट्स आए थे, वो सब तुम्हारी वजह से आए थे, क्योंकि वो तुम लाए थे। और तुम्हारा हमारे लिए प्यार देख के हमें ऐसे लगा कि तुम ही हमारे लिए बने हो, सिर्फ तुम ही, लेकिन वो गलत था। हमें तुमसे कभी प्यार था ही नहीं, कभी नहीं था, हमारा बस एक लगाव था तुम्हारे लिए, सिर्फ लगाव। और ये बात हम कभी भी समझ नहीं पाते, अगर समीर हमारी जिंदगी में नहीं आया होता तो। प्यार का एहसास हमें समीर ने कराया है, और हम अपनी सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए बर्बाद नहीं कर सकते थे। सुबह सीम प्रीटी गुड फॉर मी। हाय, गुड मॉर्निंग, होप आप सबकी मॉर्निंग भी काफी ठीक ठाक चल रही होगी। आप वहां बैठिए, हम नाश्ता लगा देते हैं आपके लिए। क्यों बीवी, आज हम इन लोगों के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे। नहीं, मानता हूं कि मेरा इनके साथ वैसा रिश्ता नहीं है, बट तुम्हें तो इस घर की बेटी मानते हैं ये लोग। इतना तो कर ही सकता हूं। आओ, कम ऑन, बैठो। कंफर्टेबल? पिटी यू गाइस यार। हेलो बीवी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अरे, इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? तुम बीवी हो मेरी, और अपनी बीवी को अपने हाथ से खिलाने में मुझे कोई नहीं रोक सकता, राइट? चलो अब तुम अपने प्यारे प्यारे हाथों से मुझे खिलाओ। कौन? एक मिनट, एक मिनट। अरे एक मिनट, वो
थोड़ा लग गया था। चलो खिलाओ। बीवी तुम्हें पता है इससे पहले ना मेरा शादीवादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर अब बहुत मजा आ रहा है। किशन, एक मिनट। अरे एक मिनट, थोड़ा सा खाना खा लीजिए। सुबह सुबह खाने पर गुस्सा नहीं निकालते, खाने को मना नहीं करते, आप प्लीज खा लीजिए थोड़ा सा। कमाल हो ना, कमाल हो तुम दोनों बहनें। एक जख्म देती है यहां दिल पे, और दूसरी उस जख्म की दवा बनना चाहती है। क्या बात है, बताओ मुझे क्यों किया? क्यों किया अग्नि ने ऐसा? मैं जानता हूं तुम्हें सब कुछ पता है, बताओ ना, तो बोलती क्यों नहीं? अचानक से समीर से शादी कर ली क्यों? टेल मी, कब तक चुप रहोगी तुम? बोलो मुझे साक्षी, कम ऑन, यू हैव टू से इट। क्यों किया उसने ऐसा, क्यों? किशन, हमें कुछ नहीं पता है, सच में हम नहीं जानते अग्नि ने ऐसा कदम क्यों उठाया। ओके, नहीं जानती ना तुम ऐसा कि ऐसा क्यों किया। तुम्हारी बहन अग्नि ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत। अब तुम देखती जाओ, मैं उसकी सच्चाई सबके सामने लाकर ही दम लूंगा, सबके सामने। निकल जाओ मेरे कमरे से बाहर, और ये इस खाने की प्लेट को भी लेती जाओ अपने साथ। काश हम आपको बता पाते कि उसने हमारे प्यार के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, अरे ये तो बहुत जरूरी केस है ना। हाँ, केस की हियरिंग भी आज ही है। हाँ आज ही तो है। और ये जुड़े सारे इम्पोर्टेंट पेपर्स जो है वो तो इस लैपटॉप में सेव होंगे, राइट? हाँ, तो तुम मुझे बीवी बुलाते हो ना, और बीवी का तो काम होता है कि वो अपने पति की सारी चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल करे, है ना? तो हम क्या सोच रहे थे कि ये लैपटॉप में ना देखो कितनी धूल जम गई है, छी आप साफ नहीं करते हो। काम करते हैं, इसको हम बहुत अच्छे से साफ कर देते हैं। क्यों इसमें बहुत जरूरी सामान है, क्या कर रही हो? डोंट डू दिस। बहुत जरूरी फाइल्स है, बहुत जरूरी। हिम्मत कैसे हुई हमारे कमर में हाथ लगाने की तुम्हारी? कैसे हुई हिम्मत? हाँ, क्या खाना खाना चाहते थे तुम हमारे हाथ से? कोशिश भी मत करना हमारे से ये फालतू की हरकत करने के आगे से। और क्या, होठों को
होटल पे कुछ लगा था, तुम पहुंचोगे, वो तुम पहुंचोगे, ये लैपटॉप का ना अभी डाल देंगे, अगर आज के बाद हमसे ये फालतू की हरकत की तो हम ये सारे फाइल्स उड़ा देंगे, समझे तुम? एक्टिंग 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 कर रहा था मैं, तुम्हारे लिए कर रहा था ताकि लोगों को बाहर लगे हम हस्बैंड वाइफ है, हटाओ उसे वहां से। अपने किए के लिए सॉरी बोलो। व्हाट? सॉरी मैं नहीं बोल रहा, आई एम नॉट सॉरी। मत बोलो, ठीक है, ये देखो। सॉरी सॉरी यू सॉरी, लेकिन हमें वो प्लीज प्लीज सुनाई नहीं आया अभी हमें, प्लीज बोलो प्लीज। हाँ नहीं सुनाई है, प्लीज प्लीज एक बार, मैं सुनाई नहीं आ रहा, एक बार जोर से बोलो ना, प्लीज जोर से बोलो। सॉरी प्लीज सॉरी, एक बार क्या, प्लीज सॉरी सॉरी। हिंदी पढ़ने आती है? आती है हिंदी पढ़ने? पढ़ो इसको, पढ़ो। क्या ये रूल्स? रूल नंबर वन, तुम मुझे हाथ नहीं लगाओगे। रूल नंबर टू, तुम बिना कपड़ों के नहीं सोओगे। रूल नंबर थ्री भी है, एक दिन बेड पर मैं सोऊंगी, एक दिन तुम। वो मैं नहीं पढ़ रहा ये बकवास, मैं अपने रूल्स खुद बनाता हूँ, मैं किसी के रूल्स फॉलो नहीं करूंगा। और आज से ये रूल्स चेंज होंगे, नहीं तो डन डील, डन डील। लैपटॉप वहां रखो। डन? हाँ। ओकी डोकी। पतिदेव और कोई सेवा? नो थैंक्स। अब तक तुमने जो करना था कर लिया, नाउ वेट एंड वॉच, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। पतिदेव कुछ बड़बड़ा रहे हो क्या? नहीं कुछ नहीं कहा। नहीं क्योंकि हमें सब सुनाई पड़ रहा है। अब मजा आएगा, cuz I am like तो कर रहा है समीर को ना थाने बुला के इतना कूटे फिर पता चलेगा इसको। हमें मैसेज कर रहा है कि बरामदे तक आओ, क्यों जाए हम बरामदे तक? जाना भी पड़ेगा, अगर नहीं जाएंगे तो फिर कोई नई मुसीबत खड़ी कर देगा। कहाँ पे है ये? बनने का नाटक मत करो हमारे सपने। रूल्स तय किए ना हमने, क्या था रूल नंबर वन? यही था ना कि तुम चिपकोगे नहीं, टच नहीं करोगे, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? हाँ रूल्स, रूल्स ना, एक पति को अपनी पत्नी को टच करने के लिए रूल्स से गुजरना पड़ता है। मैं जानता हूं अग्नि, शादी करने का नाटक, तुम्हारी शादी हुई ही नहीं है अग्नि। हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं वो उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और हमें इस तरीके से यहां बुलाने का क्या मतलब है? मेरा कोई मतलब है ही नहीं, मेरा बस एक मकसद है, और मेरा मकसद यह है कि मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला के रख दूं। बस सच्चाई यही है कि समीर हमारे पति हैं और हम समीर की पत्नी, और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इस बात को ना मान लो। और ये जो तुमने अभी अभी कहा, हस्बैंड बनने की कोशिश ना करो, इसका मतलब मैं क्या निकालूं? ये भी तुम मुझे बता दो अग्नि। बोलो अग्नि, बोलती क्यों नहीं? हमारे और हमारे हस्बैंड के बीच की बात हम किसी तीसरे को बताना जरूरी नहीं समझते। ये हमारे और हमारे पति के आपस का मामला है। अच्छा यही होगा कि तुम दूर रहो, बिल्कुल दूर। वो हमारे और समीर के बीच की बात है। झूठ, इसी झूठ का सच मैं सबके सामने लाके रखूंगा। हम नहीं मानते शादी को, हम कभी नहीं मानेंगे। समीर ने आज तक जितनी मनमानियां की ना, सब माना मैंने, लेकिन अब अग्नि को मैं अपनी बहू नहीं मान सकती। क्यों आई हो तुम यहां पर?
पूरे घर में आग लगा करके तुमको शांति नहीं मिली है जो यहाँ पर चली आई हो? अच्छा, मेरे जले पर नमक छिड़कने के लिए आई हो या मुझे और नीचा दिखाने के लिए आई हो? चाची जी, ऐसी मर गई चाची जी, और खबरदार जो मुझसे कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, ना मैं तुम्हारी चाची हूँ और ना ही सास। समीर का रुतबा देख करके तुम्हारी नीयत बदल गई होगी। तभी तो तुम शादी से भाग गई थी ना? चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम अभी यहाँ से निकलो, मेरे मुंह से कोई अपशब्द निकल जाएगा वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम निकलो, तुम निकलो यहाँ से। समीर, आप तमीज सिखा रही हैं। ये कौन सा तरीका एक लड़की से पेश आने का? समीर, तुम चलो प्लीज। जो माँ अपने सगे बेटे के लिए खड़ी ना हो पाई, वो किसी और को रिश्ते के बारे में उपदेश ना ही दे तो बेहतर होगा। आप सब मेरे लिए वैसे ही मर चुके हैं। अग्नि मेरी बीवी है, उसकी सास बनने की कोशिश मत कीजिए, समझिए आप? समीर, कल रात जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ। पहले साक्षी ने गलती की और उसको ठीक करने के लिए हम सब कोशिश कर ही रहे थे। अग्नि और समीर ने शादी कर ली। खैर, अब इस घर की खुशी और शांति के लिए हम चाहें या ना चाहें, हमें इस रिश्ते को अपनाना होगा। और इस घर की परंपरा के हिसाब से आज की ये आरती अग्नि और समीर करेंगे। लेकिन अम्मा जी। हाँ अम्मा जी, हमें भी ये ठीक नहीं लगता। छोटी मोम और चाची, दादी बिल्कुल सही कह रही है। ये लो आरती की थाली, दोनों साथ में आरती कर सकते हो। क्या बात है, तुम दोनों परिवार का पालन करते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। अमेजिंग, सच अ नाइस कपल। हाँ, वैसे जस्ट एक सेकेंड। हाँ, इसी बात पे कुछ याद आ गया मुझे।